हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है राजस्थान जे वी एन एल हेल्पर टू से संबंधित एन सुर्खी से संबंधित एक नई अपडेट सामने आई है जो फाइनल एन सुर्खी जारी की गई थी उसे तीन दिन हो चुके हैं अभी तक वो ओपन नहीं हो रही है उससे संबंधित एक सूचना अभी सामने आई है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और दोस्तों आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्पर टू की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके चलिए दोस्तों मैं आपको वो सूचना दिखा देता हूँ और वो वो सूचना कहाँ पर आ गई है आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है हेल्पर टू से संबंधित और ये जे वी हेल्पर टू की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट है वो खुल चुकी है आपको इस तरीके से इस वेबसाइट पर आना है अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए और यहाँ पर जो फाइनल आंसर की का इधर आइकन दिया हुआ है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये एक नई सूचना दी गई है यहाँ पर लिखा है कि रिवाइज्ड आंसर की लिंक विल ओपन शॉर्टली शॉर्टली का मतलब है कुछ ही देर में यानी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसकी लिंक कुछ ही देर में ओपन होने वाली है तो अब बस कुछ ही देर का इंतज़ार है मतलब एक घंटे के अंदर अंदर ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी और आप जल्दी से उस एंशर की को चेक कर पाएंगे दोस्तों ये नई सूचना आते ही मैंने तुरंत तो आपको अपडेट कर दिया और ऐसे ही जब ये मतलब एंसर की आ जाएगी तो आपको तुरंत तो आपको एक वीडियो के द्वारा अपडेट कर दूंगा और आप वैसे आप इस वेबसाइट पर बने रहिए कुछ देर में ये ओपन होने वाली है और आपने स्टेट टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्पर टू की हर अपडेट मिलती रहे और दोस्तों एक ज़रूरी सूचना आपके लिए ये भी है कि आप अपने नंबर जोड़ कर मतलब कुछ ही देर में आंसर की जारी हो जाएगी उसके बाद आप आप अपने नंबर जोड़कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और उसके हिसाब से मैं कट ऑफ का वीडियो भी अपलोड करूंगा उसके आपके नंबरों के हिसाब से मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी तो सीधे मैं कट ऑफ नहीं बताऊँगा सीधे तो पहले जो बताया रखी है वो आप देख लीजिए अब यानी अब उसमें अब जो आंसर किया ही है उसमें आंसर की मतलब आने वाली है उसमें आपके आपने जो रिस्पॉन्स दिया था कैंडिडेट रिस्पॉन्स है वो भी इसमें दिखाया गया है इसके अलावा जो करेक्ट आंसर है वो भी दिखाया गया तो आप अपने करेक्ट नंबर जितने आपके बन रहे हैं वो आप जोड़ पाएंगे और वो नंबर जोड़कर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं धन्यवाद